हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एमजेड हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने बाइसेप्स का साइज बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने डोलो सोलो को बड़ा और चौड़ा देखना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो देखिए। आज के वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा और बहुत जल्दी आपका बाइसेप्स ग्रो हो जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइसेप अगर आप बना रहे हैं या आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रिम करना चाहते हैं या आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक बॉडी पार्ट को आपको रोज ट्रेन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग यह गलतियां करते हैं कि अगर वो बाइसेप बड़ा करना चाहते हैं तो वो बाइसेप को बार बार रोज ट्रेन करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि अगर आप रोज़ ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप को तो वो कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। हमारी बॉडी बनती क्यों है? हमारी बॉडी इसलिए बनती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद जब उसे हम आराम देते हैं, यानी एक्सरसाइज करने के बाद उसे हम आराम देते हैं, तो वो जो बॉडी पार्ट है वो हील होता है और जो हमारा डैमेज हुआ बॉडी पार्ट है वो धीरे धीरे हील करके उसको बड़ा मसल्स बनाता है, यानी बड़ी मसल्स बनती हैं। तो मान लीजिए अगर आज आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की है तो अगली बार बाइसेप की एक्सरसाइज करने से पहले मिनिमम 2 दिन का अंतराल, 2 दिन का ब्रेक दें ताकि आपकी बॉडी हील हो पाए। उसके बाद में जैसे जैसे आप धीरे धीरे समय देंगे आपकी बॉडी ज़रूर ग्रो हो जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि हमें करना क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब मान लीजिए आप अगर आज 1 kg वजन उठा रहे हैं अपने बाइसेप से, अपनी आर्म से, तो आप कुछ हफ्तों बाद उस वजन को 1.5 kg कर दीजिए, फिर कुछ हफ्तों बाद उसको 2 kg कर दीजिए। अगर आप ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी, यानी आपका बाइसेप्स कभी भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने घर में अपने बॉडी वेट से ही इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजें होती हैं जिनको आप करके अपने घर में ही बॉडी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको डंबल की ज़रूरत है, तो आप अपने घर में ही जो वाटर बोतल होती है उसमें पानी भर के उनको उठाकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो ईंट होती है जिसको इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं, उसको उठाकर भी आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, आराम देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपनी बॉडी को प्रोटीन देते रहें। बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई हमारे पास प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में जो घर में चीज़ें अलाउड हैं, जो आपको घर में खाने को मिल रही हैं, आप उससे भी बॉडी बना सकते हैं। आपको बस ये सर्च करना है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है। जैसे हम दाल खाते हैं, हमारी दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, और जो हम दूध पीते हैं दूध में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी बिल्कुल बनेगी। जो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इन सभी टिप्स को अपनाइए, आपकी बॉडी आपको दिखेगा कि 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे और आपके जो बाइसेप हैं उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।